नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम। वंदे भारत मिशन के तहत 400 भारतीय नागरिक दो विशेष उड़ानों के जरिए दुबई से चेन्नई पहुंचे। भारतीय नौसेना का जहाज INS जलाश्व लगभग 700 भारतीय नागरिकों को लेकर मालदीव से केरल के कोच्चि के लिए रवाना। देश में कोविड-19 संक्रमण से उपचार के बाद स्वस्थ होने वालों की दर 29.36% हुई। वित्त मंत्रालय की प्रवासी भारतीयों और विदेशी नागरिकों को पूर्णबंदी के कारण निवास स्थिति के नियमों में राहत की घोषणा। और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 16,22,000 डॉलर की वृद्धि के साथ 481 अरब डॉलर से ज्यादा हुआ। इस विशेष कार्यक्रम में अपने सहयोगी आनंद श्रीवास्तव के साथ मैं मुकेश कुमार। कोविड-19 महामारी के बीच वंदे भारत मिशन के तहत 356 भारतीयों को कल विशेष विमान से दुबई से चेन्नई लाया गया। संकट में फंसे मजदूरों, बुजुर्ग व्यक्तियों, तत्काल चिकित्सा सहायता लेने वालों और गर्भवती महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। दुबई, सऊदी अरब और बहरीन में भारतीय मिशनों ने विमान में सवार होने से पहले यात्रियों के लिए कड़े स्वास्थ्य नियमों का पालन किया। चेन्नई के लिए विशेष उड़ान से लगभग 30 साल की एक विधवा वी कोलम्मल अपने पति की अस्थियों के साथ स्वदेश लौटी। उनके पति कुमार का पिछले महीने निधन हो गया था। दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने स्थानीय अधिकारियों के साथ कोलम्मल के पति के निधन संबंधी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद उन्हें अपने पति की अस्थियों को विमान से लाने में सहायता दी। स्वर्गीय कुमार संयुक्त अरब अमारात में पिछले 10 साल से अर्धकुशल कामगार थे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। वंदे भारत मिशन के तीसरे दिन लगभग 850 भारतीय विभिन्न खाड़ी देशों से स्वदेश के लिए रवाना होंगे। वंदे भारत मिशन विदेश में फंसे भारतीयों के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर आया है। शारजा से आज एक विशेष विमान 175 से भी ज्यादा यात्रियों के साथ लखनऊ के लिए प्रस्थान करेगा। कुवैत से लगभग 150 लोग हैदराबाद जाएंगे और लगभग 170 लोगों के कोची जाने की उम्मीद है। कतर और ओमान से भी अपनी अपनी जगहों से 170 के करीब भारतीयों को इस संकटग्रस्त माहौल के बीच कोची रवाना करेंगे। गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और खासकर उन श्रमिकों को जिनकी नौकरियां नहीं रही या जिनके वीजा की परेशानियां हैं, उन्हें इन विशेष विमानों में भेजने की प्राथमिकता दी जाएगी। वंदे भारत मिशन के दूसरे चरण में खाड़ी देशों से भारत के और जगहों में जाने के लिए विशेष विमान की व्यवस्था करने की भी संभावना है। इस बीच दुबई से दो अतिरिक्त विशेष विमान विपरीत स्थितियों में घिरे लोगों को लेकर कुन्नूर और मैंगलोर के लिए भी रवाना किए जाएंगे। कंचन प्रसाद, आकाशवाणी समाचार, दुबई। दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने UAE में भारतीय नागरिकों के बारे में कोविड-19 से संबंधित जानकारी के लिए एक विशेष टोल फ्री नंबर 800-244-382 शुरू किया है। दूतावास ने नागरिकों से हेल्पलाइन नंबर अधिक व्यस्त होने पर धैर्य बनाए रखने का अनुरोध किया है। भारतीय नौसेना का जहाज INS जलाश्व 698 भारतीयों को लेकर कल शाम मालदीव की राजधानी माले से रवाना हुआ। ये जहाज कल शाम कोच्चि पहुंचेगा। विदेशों में फंसे भारतीयों को निकालने के भारत सरकार के कार्यक्रम समुद्र सेतु का ये हिस्सा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि करीब 2000 भारतीयों को मालदीव से 4 जहाजों में वापस लाया जाएगा। भारतीय नौसेना का जहाज जब लगभग 700 यात्रियों को लेकर कोची के लिए रवाना हुआ तो सबके चेहरों पर राहत और खुशी के भाव थे। इस रवानगी को सुचारू रूप पूरा करने के लिए माले स्थित भारतीय उच्चायुक्त पिछले कई दिनों से कार्यरत था और इस बाबत उसे स्थानीय संस्थाओं और मालदीव सरकार का पूर्ण समर्थन मिला। समुद्र सेतु के तहत भारतीय नौसेना का दूसरा जहाज कल टूटिकोरिन के लिए रवाना होने का कार्यक्रम है। यात्रा के दौरान सुरक्षा के नियमों का भी पूरा ध्यान रखते हुए सभी यात्रियों को मास्क और सैनिटेशन सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। अगले चरण में दोनों जहाज अगले सप्ताह फिर कार्यरत होंगे और पूरी प्रक्रिया में लगभग 2000 भारतीयों को वापस लाने का कार्यक्रम है। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलंबो से संतोष कुमार। मालदीव में भारत के उच्चायुक्त संजय सुधीर ने इसे एक बड़ा अभियान बताया है और सहयोग के लिए मालदीव सरकार का आभार व्यक्त किया है। वंदे भारत मिशन के तहत दो विशेष उड़ानें आज तड़के तमिलनाडु में चेन्नई हवाई अड्डे पहुंची। इन उड़ानों के जरिए दुबई में फंसे करीब 400 लोगों को लाया गया। केंद्र सरकार के सुरक्षा नियमों के अनुसार इन यात्रियों की स्वास्थ्य जांच के बाद उन्हें संगरोध में भेज दिया गया। एक रिपोर्ट।
चेन्नई के कोयम्बेडु थोक बाजार में कोरोना के सैकड़ों मामले सामने आए हैं। इस इलाके से कई कामगार राज्य के दूसरे हिस्सों में गए हैं, जहां उन्हें जिला प्रशासन ने संगरोध में रखा है। ऐसे लोगों और उनके संपर्क में आए व्यक्तियों की जांच भी की गई है। इस बाजार को सील कर दिया गया है और इसे रविवार से उपनगरीय इलाके तिरुमजीसाई ले जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार राज्य में कोरोना से मरने वालों की दर 0.5% से कुछ ही ज्यादा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने भी कल चर्चा के दौरान इसकी प्रशंसा की थी। इस बीच चेन्नई के शिक्षा संस्थानों में 753 ऐसे रोगी भी रखे गए हैं जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं हैं। जिनके घरों में अलग कमरे और शौचालय हैं, उन्हें अपने घरों में ही सुरक्षित उपायों के साथ पृथकवास की अनुमति दी गई है। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण। वंदे भारत मिशन के तहत मलेशिया की राजधानी क्वालालंपुर से 171 यात्रियों को लेकर पहला विमान आज रात 9:30 बजे तमिलनाडु के त्रिची हवाई अड्डे पर उतरेगा। हवाई अड्डे के निदेशक गुणशेखरन ने बताया कि इस मिशन के अंतर्गत त्रिची के लिए 2 उड़ानें प्रस्तावित हैं। सिंगापुर से त्रिची के लिए प्रस्तावित उड़ान रद्द कर दी गई थी। हवाई अड्डा अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि यात्रियों के लिए सभी प्रबंध कर लिए गए हैं। विदेशों से भारतीय मूल के लोगों को लाने के लिए तमिलनाडु में त्रिची और चेन्नई हवाई अड्डों का उपयोग किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल इटली के प्रधानमंत्री जुसेप्पे कोंते से टेलीफोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने कोविड-19 महामारी के कारण इटली में हुई मौतों पर शोक व्यक्त किया। श्री मोदी ने संकट के दौरान इटली के नागरिकों द्वारा प्रदर्शित साहस की भी प्रशंसा की। दोनों नेताओं ने अपने देशों और विश्व स्तर पर महामारी के स्वास्थ्य और आर्थिक प्रभाव के समाधान के लिए जरूरी उपायों पर विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने श्री कोंते को आवश्यक दवाओं और अन्य वस्तुओं की व्यवस्था करने में इटली को भारत के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। श्री कोंते ने श्री मोदी को उपयुक्त समय पर इटली की यात्रा करने के अपने निमंत्रण को दोहराया। श्री मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री के साथ हुई बातचीत के विवरण को साझा करते हुए ट्विटर पर लिखा है कि भारत और इटली कोविड के बाद के विश्व की चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करेंगे। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा है कि सरकार लॉकडाउन के कारण उद्योग जगत और कामगारों के सामने आई परेशानियां कम करने के लिए हर संभव मदद करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार मौजूदा परिस्थितियों के संबंध में सभी संबंधित पक्षों के साथ बातचीत कर नीतिगत उपाय कर रही है, ताकि कामगारों और अर्थव्यवस्था पर कोरोना प्रभाव को कम किया जा सके। श्री गंगवार ने कल नियोक्ता संगठनों के साथ ऑनलाइन संगोष्ठी की। इसमें कामगारों के हितों के संरक्षण के अलावा रोजगार सृजन के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। श्री गंगवार ने कामगारों की समस्याएं कम करने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय के उपायों को जानकारी दी है। देश में कोविड-19 से अब तक कुल 16,540 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि देश के 216 जिलों में अब तक संक्रमण का एक भी मामला नहीं आया है। देश भर में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 56,342 हो गई है। इनमें से 1,886 रोगियों की मृत्यु हुई है। 37,916 लोगों का इलाज चल रहा है। क्योर पेशेंट की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज है। हमारी रिकवरी परसेंटेज देखें तो वह अभी 29.36% हो चुकी है, यानी कि अब तक हॉस्पिटलाइज हुए पेशेंट में से लगभग हर 3 में से 1 पेशेंट रिकवर क्योर हो चुका है, और यह रिकवरी रेट जैसे कि हम बताते रहे हैं लगातार बढ़ रहा है। गृह मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि रेलवे ने अलग अलग जगहों पर फंसे लोगों के आवागमन के लिए 222 श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां चलाई हैं। देश के विभिन्न राज्यों में फंसे श्रमिकों, छात्रों, श्रद्धालुओं, पर्यटक आदि के लिए बस एवं ट्रेनों को चलाने की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है। अभी तक रेलवे ने 222 विशेष रेलगाड़ियां चलाई हैं और लगभग 2.5 लाख से अधिक यात्रियों ने इस सुविधा का उपयोग किया है। कोविड-19 का पता लगाने के लिए देश में ही निर्मित जांच किट तैयार करने के प्रयास जारी हैं। जैव प्रौद्योगिकी विभाग विशाखापत्तनम में देश में ही निर्मित गुणवत्तापूर्ण जांच किट का उत्पादन बढ़ाने के लिए उद्यमियों, शिक्षाविदों और उद्योगों के साथ सहयोग कर रहा है। आकाशवाणी से बातचीत में जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉ रेणु स्वरूप ने बताया कि इस महीने के अंत तक प्रतिदिन 1 लाख जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं।
डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने अपने जो स्टार्टअप्स हैं, जो हमारा पब्लिक सेक्टर है बायरा, उनके थ्रू सपोर्ट किया है नए किट्स बनाने के लिए, आरटीपीसीआर किट्स, एंटीबॉडी किट्स, और अब कुछ लोग ऐसे हैं जो एंटीजन किट्स भी बना रहे हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जिनको आईसीएमआर से अप्रूवल मिल चुका है और उनकी ड्रग कंट्रोलर से अप्रूवल लेने के बाद मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुकी है। आंध्रा में आंध्रा मेट्रिक जोन है, उसमें हमने एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाई है और इन सबको इकट्ठा करके हमारा ये टारगेट है कि मई के एंड तक 1 लाख टेस्ट पर डे होने चाहिए कंट्री में। कोशिश और हमारी यही है कि ये हमारे इंडिजिनस प्रोडक्शन के थ्रू हों। उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्णबंदी के दौरान देश के विभिन्न भागों से राज्य में वापस लौट रहे प्रवासी कामगारों के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप आरंभ किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस बहुउद्देशीय ऐप की मदद से प्रवासी कामगारों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। इस ऐप को राज्य सरकार के राजस्व विभाग ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के सहयोग से तैयार किया है और इसके जरिए प्रवासी मजदूरों से जुड़ा हर आंकड़ा इकट्ठा किया जाएगा। इस ऐप में आश्रय गृह में रह रहे लोगों की पूरी जानकारी रहेगी और साथ ही उन प्रवासी कामगारों का भी आंकड़ा रहेगा जो दूसरे राज्यों से आने के बाद अब अपने घरों में रह रहे हैं। ऐप में प्रवासियों से जुड़ी सामान्य जानकारियां जैसे कि नाम, शिक्षा, अस्थायी और स्थायी पता, बैंक अकाउंट की जानकारी, कोरोना से जुड़ी स्क्रीनिंग की स्थिति और अब तक किए गए कार्य का अनुभव सूचीबद्ध किया जाएगा। प्रवासी नागरिकों को दी गई सरकारी मदद जैसे कि राशन किट वगैरह की भी जानकारी इस ऐप में होगी जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से काम करने में सक्षम है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। गुजरात में कल 390 नए रोगियों का पता लगने के साथ कोविड 19 के कुल मामलों की संख्या 7403 पर पहुंच गई है। राज्य की प्रधान स्वास्थ्य सचिव जयंती रवि ने बताया कि 24 और लोगों की कल मौत हो गई, जिनमें से 11 मरीजों को अन्य प्रकार की बीमारी भी थी। इसके साथ ही इस बीमारी से राज्य में मरने वालों की संख्या 449 हो गई है। 390 नए मामलों में 269 अकेले अहमदाबाद से हैं। शहर में संक्रमितों का आंकड़ा 5000 के पार हो गया है। राज्य में कोविड 19 के 5082 सक्रिय मामले हैं। राज्य में मामलों की बढ़ती संख्या सरकार के लिए चिंता का विषय है। राज्य सरकार की इस विनती पर केंद्र सरकार ने दिल्ली से एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और वरिष्ठ चिकित्सक मनीष सुनेजा को गुजरात भेजा है। यह दो चिकित्सा विशेषज्ञ आज अहमदाबाद सिविल अस्पताल और SVP अस्पताल का दौरा करेंगे और शहर में कोविड 19 की स्थिति का जायजा लेंगे। दोनों डॉक्टर कोविड 19 रोगियों के उपचार में शामिल चिकित्सा टीमों का मार्गदर्शन करेंगे। इस बीच सरकार ने कोविड 19 मरीजों की सेवा करने वाले मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ को मानद वेतन देने की घोषणा की है। दूसरी तरफ स्थानिकों के एक समूह ने कल शाम अहमदाबाद के अल्पसंख्यक बहुल शाहपुर इलाके में पूर्णबंदी का अमल करवा रहे पुलिस पर पथराव किया था। भीड़ को कम करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले इस्तेमाल किए थे और इस घटना में 15 लोगों को हिरासत में लिया था। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 338 नए रोगी सामने आए हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में कोविड 19 मरीजों की कुल संख्या 6318 हो गई है। अब तक 220 रोगी इलाज के बाद ठीक होकर वापस लौट चुके हैं, जबकि 68 लोगों की मृत्यु हुई है। हरियाणा में 22 नए मामलों के साथ कोविड 19 मरीजों की संख्या बढ़कर 647 हो गई है। राज्य में 14 और मरीजों के स्वस्थ होने के साथ अब तक कुल 279 मरीज ठीक हो चुके हैं। 360 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु राज्य विपणन निगम की शराब की खुदरा दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। इन दुकानों को राज्य सरकार ने राजस्व बढ़ाने के लिए पिछले बृहस्पतिवार को खुलवाया था, लेकिन सुरक्षित दूरी के नियमों का उल्लंघन पाए जाने के बाद इन्हें बंद करने का आदेश दिया गया है। हालांकि अदालत ने सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए शराब की ऑनलाइन बिक्री की अनुमति दी है। देश के कई राज्यों से 82,554 प्रवासी कामगारों, विद्यार्थियों और अन्य लोगों को 70 श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों से बिहार पहुंचाया गया है। देश भर से बिहार के प्रवासी कामगारों को वापस लाने के लिए रेलवे ने राज्य सरकार के लिए 134 रेलगाड़ियां मंजूर की हैं। 5 दिनों में 11 विशेष ट्रेनों के जरिए कोटा राजस्थान में फंसे सभी छात्रों की घर वापसी हो गई है।
राज्य सरकार ने अब तक 1,60,000 प्रवासी कामगारों के लौटने का इंतजाम कर लिया है। इसके लिए 134 ट्रेनों की अनुमति दी गई है। इनमें 70 ट्रेनें आ चुकी है। सबसे अधिक 26 ट्रेनें गुजरात से आएंगी। पंजाब से 23 ट्रेनों की स्वीकृति मिली है, जिसमें 2 आ चुकी है। इस बीच विदेश में रहने वाले 2,075 लोगों ने बिहार लौटने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को विदेश से आने वाले लोगों के मामले में समन्वय करने का निर्देश दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। इस बीच राज्य में कोरोना संक्रमण की औचक जांच शुरू हो गई है। इसकी शुरुआत रेड जोन से आने वाले लोगों से की जा रही है। बिहार में कोरोना से ठीक होने वाले रोगियों का प्रतिशत 48.5 है। राज्य में अब तक कोरोना से 287 रोगी ठीक हुए हैं। इनमें से 41 रोगियों को कल अस्पतालों से छुट्टी दी गई। फिलहाल राज्य में कोरोना के 328 मरीजों का इलाज चल रहा है। राज्य के 36 जिलों से कोरोना के 579 मरीज सामने आए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी के दौर में भी आम लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। राज्य सरकार ने किसानों को कई तरह की सुविधाएं देने के महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इन फैसलों से आम जनता को तो जरूरी सुविधाएं घर तक मिल ही रही हैं, किसानों को भी काफी लाभ पहुंचा है। कोविड-19 महामारी के चलते ही जैसे राज्य में कर्फ्यू घोषित हुआ तो किसानों को अपनी उपज खेत में बर्बाद होने व समय पर बीज न मिल पाने की चिंता सताने लगी। ऐसे में सोलन जिले में प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को पूरी तत्परता के साथ लागू किया गया। इससे कृषक अपनी उपज समय पर मंडियों तक पहुंचा पाए और साथ ही फसलों को भी समय पर उगा पाए। वहीं प्रदेश सरकार के निर्णयों के अनुरूप सोलन जिले में कार्यरत सभी 22 विक्रय केंद्रों को तुरंत खोला गया। कृषि अधिकारियों द्वारा किसानों को दूरभाष पर ही कृषि से संबंधित विशेषज्ञ सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई गयी। कर्फ्यू के दौरान एपीएमसी सोलन द्वारा 9.25 करोड़ रुपए खर्च कर किसानों से 4,000 मैट्रिक टन मटर की खरीद की गई। वहीं कृषि विभाग ने सोलन जिले में 15,180 हेक्टेयर में गेहूं की फसल की कटाई भी सुनिश्चित की। निश्चित तौर पर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन सोलन के प्रयासों से न केवल जिले की बेशकीमती उपज मंडियों तक पहुंची है, बल्कि किसानों को उचित मूल्य भी मिला है। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने घोषणा की है कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को कोई परीक्षा नहीं देनी होगी और उन्हें प्री बोर्ड परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर प्रोन्नत कर दिया जाएगा। वे फेसबुक पर लोगों की चिंताएं दूर कर रहे थे। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पिछले कुछ दिनों से लोगों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उठाए जा रहे सवालों और चिंताओं के जवाब में फेसबुक पर कहा कि लंबे समय तक कर्फ्यू रहा है, इसलिए पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 5वीं से 10वीं तक के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के अगली कक्षा में ले जाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि 10वीं की परीक्षा के विद्यार्थियों को अगली परीक्षा में प्री बोर्ड के परिणामों के आधार पर प्रमोट किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर शुक्रवार को वह फेसबुक पर लोगों के सवालों के जवाब देकर उनकी चिंताओं का निवारण करेंगे। घरों को लौट रहे प्रवासी मजदूरों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग इस संकट की घड़ी में अपने परिवारों के साथ रहना चाहते हैं, वे उन्हें नहीं रोकेंगे। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच भोपाल के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से अच्छी खबर आई है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की औषधि परीक्षण के शुरुआती नतीजे उत्साहजनक आए हैं। संस्थान के डॉक्टरों ने प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवा माइकोबैक्टीरियम डब्ल्यू का अनेक कोविड-19 रोगियों पर परीक्षण किया है। एक रिपोर्ट। एम्स के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ये दोनों गंभीर मरीज वेंटिलेटर पर थे, लेकिन अब वे आईसीयू से बाहर आ गए हैं और खतरे से भी बाहर हैं। एम्स भोपाल के निदेशक डॉक्टर सरमन सिंह ने भी माना कि इस दवा के शुरुआती नतीजे सकारात्मक आए हैं। कल में शुरू कर दिया था, 2 मरीज उसमें इंक्लूड हुए हैं और मरीज इंक्लूड कर रहे हैं। क्रिटिकल जो वेंटिलेटर पर होते हैं उन्हीं को इंक्लूड कर रहे हैं। दोनों आईसीयू से बाहर आ गए, वेंटिलेटर से ऑफ हो गए। विशेषज्ञों का कहना है कि दवा के वास्तविक परिणामों का मूल्यांकन कुछ और दिनों के बाद किया जाएगा। हालांकि एम्स के डॉक्टरों ने अन्य कोरोना रोगियों और कोरोना के मरीजों के इलाज में लगे स्वास्थ्य कर्मियों पर इस दवा के परीक्षण की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस दवा का क्लिनिकल परीक्षण एम्स में सीएसआईआर की देखरेख में 1 सप्ताह पहले शुरू किया गया था। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। मेघालय में कोविड-19 की जांच क्षमता में तेजी लाने के लिए एक और रियल टाइम पीसीआर मशीन स्थापित की गई है। उम्मीद है कि इससे कोविड-19 के नमूनों की जांच क्षमता बढ़कर एक दिन में 415 हो जाएगी। पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान ने यह मशीन स्थापित की है। संस्थान के निदेशक डॉ डीएम थप्पा ने यह जानकारी दी।
राज्य में मौजूदा जांच सुविधाओं के बारे में डॉ थप्पा ने कहा कि पाश्चर संस्था भी आरटीपीसीआर सुविधा विकसित कर रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इन अफवाहों का खंडन किया है कि राज्य में और विशेषकर मुंबई में कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सेना को बुलाया जाएगा। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा है कि सरकार अग्रणी लोगों से परामर्श या उन्हें सूचित किए बिना कोई निर्णय नहीं लेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कल राज्य की जनता को लाइव वेबकास्ट से संबोधित करते हुए कहा कि कोविड 19 की चेन को तोड़ना जरूरी है और जल्द से जल्द इस लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। उन्होंने कहा कि जनता लॉकडाउन की स्थिति में ज्यादा देर नहीं रह सकती, लेकिन उसके लिए व्यक्तिगत दूरी, मास्क का उपयोग जैसे अनुशासन की जरूरत है। उन्होंने मुंबई में सेना बुलाए जाने के दावे को खारिज करते हुए कहा कि जनता अफवाहों पर ध्यान न दे। मुंबई में स्वास्थ्य सुविधाओं की कोई कमी नहीं है और अतिरिक्त कोविड केंद्र बनाए जा रहे हैं तथा आपातकालीन स्थिति में केंद्र के स्वास्थ्य केंद्रों का भी उपयोग किया जाएगा। हालांकि उन्होंने इस ओर ध्यान आकर्षित किया कि दिन रात काम करने के बाद राज्य के पुलिस बल को राहत की जरूरत है और उसके लिए केंद्र से अतिरिक्त बल की मांग करने का उनका विचार है। उन्होंने राज्य में फंसे अन्य राज्यों के मजदूरों से कहा कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है और उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचाने के लिए सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे, पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अधिक जानकारी के लिए 1440 पर मिस्ड कॉल दें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित में जारी। लोकप्रिय धारावाहिक महाभारत प्रतिदिन दोपहर 12 बजे और शाम 7 बजे डीडी भारती, फ्री डिश और अन्य डीटीएच चैनल पर। सब्सक्राइबर्स अपना चैनल नंबर नोट करें, DD60, टाटा स्काई 1194, एयरटेल 151, सन डायरेक्ट 326, वीडियोकॉन डीटीएच 480, डिश टीवी 197 और डेन 522। समय याद रखें दोपहर 12 बजे और शाम 7 बजे। प्रतिदिन देखें लोकप्रिय धारावाहिक महाभारत। अथ श्री महाभारत कथा। कोविड 19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। वंदे भारत मिशन के तहत लगभग 400 भारतीय नागरिक दो विशेष उड़ानों के जरिए दुबई से चेन्नई पहुंचे। भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस जलाश्व लगभग 700 भारतीय नागरिकों को लेकर मालदीव से केरल के कोच्चि के लिए रवाना। देश में कोविड 19 संक्रमण से उपचार के बाद स्वस्थ होने वालों की दर 29.36% हुई। वित्त मंत्रालय ने प्रवासी भारतीयों और विदेशी नागरिकों को पूर्णबंदी के कारण निवास स्थिति के नियमों में राहत की घोषणा की और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 16,22,000 डॉलर की वृद्धि के साथ 481 अरब डॉलर से ज्यादा हुआ। सरकार ने पूर्णबंदी के कारण भारत में लंबे समय से रुके प्रवासी भारतीयों और विदेशियों को उनकी निवास स्थिति में कल राहत दी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा है कि भारत में लंबे समय तक रुकने वालों को राहत दी जाएगी। स्थिति सामान्य होने और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिर शुरू होने पर वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ऐसे मामलों में निवास स्थिति निश्चित करने के नियम तय समय पर जारी होंगे। पूर्णबंदी के कारण भारत में लंबे समय से रुके लोगों ने भारतीय निवासियों के रूप में कर रिटर्न दाखिल करने के बारे में चिंता व्यक्त की थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ऐसे लोगों को भारत में लंबे समय तक रुकने की अवधि में छूट दी है। एयर इंडिया कर्मचारी संघ ने कोरोना वायरस के कारण उनके भत्तों में 10% की कटौती करने के एयर इंडिया के फैसले के खिलाफ बंबई उच्च न्यायालय में अपील की है। याचिका में कहा गया है कि एयर इंडिया ने भत्ते काटने के फैसले की उसी दिन घोषणा की जिस दिन केंद्र सरकार ने सभी निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए परामर्श जारी किया था कि महामारी के कारण कर्मचारियों के वेतन में कटौती न की जाए और कर्मचारियों को नौकरी से न निकाला जाए। याचिका में एयर इंडिया को भत्तों में कोई कटौती न करने और मामले का निपटान होने तक मार्च में काटी गई धनराशि का भुगतान करने का निर्देश देने को कहा गया है।
भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1 मई को समाप्त हुए सप्ताह में 16,22,000 डॉलर की वृद्धि के साथ 481 अरब डॉलर से ज्यादा हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि विदेशी मुद्रा भंडार 0.25 अरब डॉलर बढ़कर 479.455 अरब डॉलर हो गया। सोने का भंडार भी 62,30,00,000 डॉलर घटकर 32.277 अरब डॉलर रह गया था। मुंबई की विशेष अदालत ने यस बैंक घोटाले के सिलसिले में डीएचएफएल के प्रमोटर कपिल वधावन और आरकेडब्ल्यू डेवलपर्स के प्रमोटर धीरज वधावन की सीबीआई रिमांड की अवधि 10 मई तक बढ़ा दी है। इन दोनों को पिछले महीने महाबलेश्वर में एक रिजॉर्ट से गिरफ्तार किया गया। इससे लगभग 50 दिन पहले सीबीआई ने कथित रिश्वत के सिलसिले में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसमें यस बैंक का मुख्य कार्यकारी अधिकारी राणा कपूर भी शामिल था। महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के 4 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं। ये उम्मीदवार हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद रंजीत सिंह मोहिते पाटिल और गोपी चंद पडालकर, प्रवीण दाटके और अजीत गोपछड़े। विधान परिषद की 9 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी उम्मीदवारों में शामिल हैं। नामांकन पत्र भरने की अंतिम तारीख 12 मई है। नामांकन पत्रों की जांच अगले दिन होगी और 14 मई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह की श्रृंखला के अंतर्गत कोविड-19 के बारे में जाने माने चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित की जाती है। आकाशवाणी से बातचीत में भारतीय जन स्वास्थ्य फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉ के श्रीनाथ रेड्डी ने देश में कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए सुरक्षित दूरी बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। सोशल डिस्टेंसिंग का अत्यंत आवश्यकता है ये वायरस को एक आदमी से दूसरे आदमी को फैलने से रोकने के लिए। हमें ये आवश्यक है कि 2 मीटर का फासला रखें एक दूसरे के बीच में, खास करके जब हम घर के बाहर जाते हैं, मार्केट में या ऑफिस में काम करना फिर शुरू कर देते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉ रणदीप गुलेरिया ने लोगों से कहा कि सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथों को साफ रखें। सारे लोगों से यही अपील करूंगा कि लॉकडाउन का हम पूरी तरह से पालन करें, स्पेशली जहां पे हॉटस्पॉट्स हैं। दूसरा मैं कहूंगा सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग भी हम पूरी तरह से करें। हम एक ये नया एक नियम बना लें कि अब से आगे से चाहे वो थूकना हुआ, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे जब भी घर आए तो हाथ धोएं, जब भी किसी से मिले तो हाथ जोड़ के मिले और हैंड वॉशिंग रेगुलरली करें। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज हिंदी और अंग्रेजी में अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा इस परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-11-5767 पर कॉल कर विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। ये विशेष कार्यक्रम आज रात 9:25 पर FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। राष्ट्रीय प्रसारक दूरदर्शन और आकाशवाणी ने देश के सभी भागों के मौसम की जानकारी देने पर व्यापक ध्यान केंद्रित किया है। मौसम के बारे में जानकारी देते समय भारत के सभी राज्यों पर ध्यान दिया जाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और आनंद, अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। जी मुकेश, आज के समाचार पत्रों ने विभिन्न मुद्दों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। कोविड-19 के इलाज के बारे में हिंदुस्तान ने मंजूरी शीर्षक से लिखा है, भारत बायोटेक लैब में एंटीबॉडी तैयार करेगा। देश में फेवीपिराविर दवा का होगा क्लिनिकल ट्रायल, कोरोना के हल्के लक्षण वालों की 10 दिन में छुट्टी। राजस्थान पत्रिका के अनुसार 42 जिलों में अब तक नहीं मिला कोरोना का कोई केस। जनसत्ता के अनुसार 24 घंटे में 3,390 मामले, 7 दिन में बढ़े 21,000। दैनिक जागरण ने लिखा है, कोरोना मरीज को बचाने के लिए एम्स में डॉक्टर ने दांव पर लगा दी जान, फेस शील्ड और चश्मा हटाकर गंभीर मरीज को वेंटिलेटर सपोर्ट देने के लिए डाली ट्यूब। राष्ट्रीय सहारा ने गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का बयान देते हुए कहा है, अपने वॉरियर्स और जनता की बदौलत कोरोना से जीते। महाराष्ट्र में 16 प्रवासी श्रमिकों की रेल दुर्घटना में मृत्यु पर नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, 16 थके मजदूरों को पटरी पर आई मौत की झपकी। जनसत्ता के अनुसार महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पटरी पर सो रहे मजदूरों के लिए काल बनी धड़धड़ाती ट्रेन, शिवराज और उद्धव ने किया मुआवजे का ऐलान। बकौल राजस्थान पत्रिका, एनजीटी की विशाखापत्तनम गैस कांड पर सख्ती, गैस लीक जांच के लिए कमेटी बनाई, 50 करोड़ जमा कराने का आदेश। जनसत्ता के अनुसार घटना में 11 लोगों की मौत और 1,000 लोग प्रभावित। दैनिक जागरण का शीर्षक है, 1 जुलाई से सीबीएसई की बची परीक्षाएं होंगी। कोविड-19 पर विशेष कार्यक्रम के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
वंदे भारत मिशन के तहत लगभग 400 भारतीय नागरिक दो विशेष उड़ानों के जरिए दुबई से चेन्नई पहुंचे। भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस जलाश्व लगभग 700 भारतीय नागरिकों को लेकर मालदीव से केरल के कोच्चि के लिए रवाना। देश में कोविड-19 संक्रमण से उपचार के बाद स्वस्थ होने वालों की दर 29.36% हुई। वित्त मंत्रालय ने प्रवासी भारतीयों और विदेशी नागरिकों को पूर्णबंदी के कारण निवास स्थिति के नियमों में राहत की घोषणा की और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 16,22,000 डॉलर की वृद्धि के साथ 481 अरब डॉलर से ज्यादा हुआ। इसके साथ ही कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।